हम नहीं दिखा सकते हम क्या लगाने वाले गाड़ी में, चुपचाप लगाना है हमें कुछ इट्स सो लाइट वेट गाइस, कुछ वेट ही नहीं है यार इसका, इससे तो हम मतलब राजा भाई को मारे तो लगेगी भी नहीं। बिल्कुल वीव सिमिलर लग रही है भाई, बहुत ही क्रेजी लगने वाला गाइस, सीरियसली बता रहा हूँ। ये हमारे इंजन बे का पूरा लुक ही चेंज कर देगा एंड ऑब्वियसली परफॉर्मेंस तो बहुत इंक्रीज करेगा। मतलब कोई लेमन भी है, अगर कोई टेक्नीशियन नहीं है तो वो बंदा भी लगा सकता है इजीली, इसको देख के लगा सकता हूं। क्या क्रेजी लग रहा है राजा भाई, खतरनाक लुक आ गई यार, पूरी कार्बन कार्बन। गाइस आवाज सुनो एक बार, गाड़ी सिख रही है सक्शन की पूरी पूरी आवाज आ रही है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो। फाइनली भाई हमारी M2 आज पहली बार आ रही है ना उत्सव, पहली बार आ रही है, अब शिफ्ट पे आ गई है एंड आज तो हमारा काम इसी GT पे है। अभी आ रहा है आज तो हम आपके पास आए हैं, जल्दी एग्जॉस्ट भी आ रहा है हमारा, वैसे द स्टॉक सो साउंड्स रियली गुड, हां बहुत अच्छा साउंड, बिकॉज़ इट्स ओवरऑल लॉट शॉर्टर, यू गेट लॉट मोर द साउंड आउट ऑफ द इंजन। प्रैक्टिकलिटी दिखाता हूं कि जो आपने पार्ट लगवाना होता है, इट बीइंग अ स्पोर्ट्स कार आप इसमें ही ला सकते हो। यार सारी गाड़ी गंदी हो गई बारिश के चक्कर में, एक तो हमारा पुराना रिकॉर्ड टीम का, यार आपको पता ही है जिस दिन कुछ हम लगाने जाते हैं, जो भी हमारे नए व्यूअर्स उनको बता दो, उस दिन बारिश हो जाती है, इतनी सर्दी में बारिश हो गई है क्योंकि हम भाई सारे ये पार्ट्स लगवाने आए हैं, बहुत कुछ है हमारी गाड़ी में अभी। एंड दिस इज समथिंग आई वॉज रियली एक्साइटेड अबाउट, दिस इज द आर्मर स्पीड कार्बन फाइबर इनटेक फॉर द M2 and it is absolutely amazing, makes your car sound so good, makes your car breathe so much better and obviously makes your car faster as well, so this is a really valuable addition in our car। how bhai nikalte hain isko, ye hum nahi dikha sakte hum kya lagane wale gaadi mein, chup chap lagana hai hame kuch secret chahiye। तो गाइस सॉरी बारिश बहुत ज्यादा और ऊपर टिन है तो आवाज थोड़ी सी आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा बारिश की बहुत तेज आवाज आ रही टिन पे, बट टाइम टू अनबॉक्स द बीस्ट। राजा भाई आओ लेट्स अनबॉक्स इट, इतनी एक्साइटमेंट हो रखी है ना इस वक्त, समझ नहीं आ रहा कि बस जल्दी से लगा दो इसको। बहुत ही बढ़िया पैकेजिंग है भाई, नाइस कुछ वेट ही नहीं है यार इसका, इससे तो हम मतलब राजा भाई को मारे तो लगेगी भी नहीं। नहीं नहीं हमारे भाई है यही सारा हमारी इंस्टॉल करते हैं। कितनी गाड़ियां राजा भाई करती होगी, आर एट एग्जॉस्ट, डिफेंडर एग्जॉस्ट, कितने इंटेक वगैरह, क्या क्या लगा दिया राजा भाई हमारी गाड़ी में भाई, बारिश और तेज होती जा रही है, बताना इसका वेट है नो वेट एट ऑल गाइस, सीरियसली कोई वेट ही नहीं है, अमेजिंग। तो कहते हैं क्वालिटी गाइस, एक बार वीव्स का पैटर्न देखो कितना बढ़िया है, क्या क्वालिटी, रियल कार्बन फाइबर गाइस देख लो, ये कोई प्लास्टिक वगैरह नहीं, दिस एक्चुअल रियल कार्बन फाइबर, इट्स वेरी लाइट भाई, दुश्मन दिखाई दे रहे हैं, दो हेटर्स दिखाई दे रहे हैं। इसमें क्या है, लास्ट पीस क्या है, ओ ओके ये भी कार्बन दिया है, बताओ यार अमेजिंग। एंड गाइस जो M2, M4 और M3 है इसमें S55 इंजन होता है एंड S55 इंजन के साथ ये कार्बन फाइबर का ब्रेस होता है एंड इसके साथ ये देखो जो ये कंपनी पाइप देती है ना, ये सारी इट्स ऑफ वेरी चीप प्लास्टिक, तो ये इसमें इतना मजा नहीं आता। एंड जो आर्मर स्पीड है दिया इट्स ऑफ कार्बन फाइबर, लेट्स
पुट इट टुगेदर, ये देखो बिल्कुल वीव सिमिलर लग रही है भाई, बहुत ही क्रेजी लगने वाला है गाइस, सीरियसली बता रहा हूँ। ये हमारे इंजन बे का पूरा लुक ही चेंज कर देगा एंड ऑब्वियसली परफॉर्मेंस तो बहुत इंक्रीज करेगा। आई एम सुपर एक्साइटेड, आप लोगों को सीरियसली बता रहा हूँ, मेरी आवाज में एक्साइटमेंट दिख रही होगी। आई एम सुपर एक्साइटेड टू इंस्टॉल दिस एंड हम एक बार सारे पार्ट्स यहाँ पर बिछाएंगे, सारा इनटेक के जो जितने भी पार्ट्स है सारे लेआउट यहाँ बिछा देंगे एंड एक बढ़िया सी फोटो लेंगे एंड वो इंस्टाग्राम पे डालेंगे। सो मेक श्योर यू गाइस फॉलो माय इंस्टाग्राम एंड मैं यहाँ पर आमा स्वीट का भी इंस्टाग्राम लगा दे रहा हूँ, मेक श्योर यू गाइस चेक देम आउट, गिव देम अ फॉलो, शो देम लव, बिकॉज़ दे मेक एब्सोल्युटली अमेजिंग पार्ट्स फॉर कार्स गाइस, सीरियसली, एंड नॉट ओनली BMW, दे मेक पार्ट्स फॉर एवरी ब्रांड एंड बहुत ही हाई क्वालिटी है, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है जेनुइनली। देखो अपनी गाड़ी के लिए मंगाया तो भाई कुछ सोच के मंगाया होगा, बहुत R&D करी मैंने, बहुत रिसर्च करी, उसके बाद ही आई ऑर्डर्ड आमा स्वीट फॉर माई कार एंड इट्स द बेस्ट गाइस, सीरियसली। उसके अलावा एक बहुत ही सुंदर इन्होंने किचन दिया है, रियली लाइक इट भाई, बहुत सुंदर है, पावर पैशन परफॉर्मेंस आर्मा स्पीड बहुत ही प्यारा है। ये ले राजा भाई अपनी बाइक में लगाइए, थैंक यू, ये तो दिखा मैनुअल तो दिखा। तो गाइस साथ में पूरा प्रॉपर इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, ओए भाई कलर्ड है, कलर्ड है, कितनी बढ़िया चीज है गाइस, बेस्ट पार्ट, मतलब कोई लेमन भी है अगर कोई टेक्नीशियन नहीं है तो वो बंदा भी लगा सकता है इसको, इजीली इसको देख के लगा सकता है बिल्कुल गाइस, दे हैव गिवन इट, देखो स्टेप बाय स्टेप है, 1-2 रिमूव करो ये, फिर 3-4 क्या क्या चीज कैसे कैसे बैठनी है सब कुछ यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है एंड दिस इज द वारंटी कार्ड एंड बहुत ही क्रेजी भाई, पूरी इंस्टॉलेशन के लिए दिया, और ये डक्ट्स आगे लगते हैं भाई, ये आगे के लिए डक्ट्स हैं गाइस, ये चैनल करते हैं हवा को इनटेक की तरफ, ये और क्रेजी, जब इंस्टॉल के टाइम पर आपको ये दिखाऊंगा, दिस इज समथिंग रियली क्रेजी भाई, मतलब ये कोल्ड एयर इनटेक के साथ साथ ये चैनल भी करता है सारी एयर को आपके इनटेक के अंदर ही, वो आगे ग्रिल में लगता है, बहुत क्रेजी है। ये दो दिए हैं क्या? दो हैं। चलो इडियट प्रूफ है, कोई घुमा दे तो, दो दिए इन्होंने, बहुत क्रेजी भाई, मतलब क्वालिटी से तो मैं इतना इंप्रेस्ड हूँ, आई स्वेयर अमेजिंग। चलो भाई काम शुरू करें, आ जाओ। तो गाइज लास्ट टाइम आप देख लो हमारा स्टॉक इंजन में, क्योंकि इसके बाद ये पूरा ट्रांसफॉर्म होने वाला है, इट्स गोइंग टू बी कार्बन फाइबर गलोर, सीरियसली इट लुक सो ब्यूटीफुल, मतलब कार गाय के लिए तो भाई इससे बढ़िया क्या चीज है, देखो उसके कार पार्ट्स टाइम पर आ जाएं, इतनी हाई क्वालिटी के हो एंड परफॉर्मेंस बढ़ाएं ऑब्वियसली गाड़ी की, एंड मैं और राजा भाई दोनों साथ साथ एक्सप्लेन भी कर देंगे कि कैसे लगाना है, कोई कमी पेशी तो नहीं, ताकि आप लोग खुद भी कर सको। ओ भाई साहब महंगी बातचीत, ये अच्छी चीज है ना भाई, यहाँ पर कोई पार्ट गिर जाए, कोई पैनल कुछ गिर जाए, कोई पाना वाना गिर जाए तो आपका फेंडर डेंट ना हो, तो मैं बताता मैं और राजा भाई पूरा एक्सप्लेन कर देंगे ताकि किसी ने घर पे भी लगाना हो, इट्स वेरी इजी टू इंस्टॉल एंड आप घर पे भी खुद भी कर सकते हो। सो वी विल गिव यू अ स्टेप बाय स्टेप गाइड ऑन हाउ टू इंस्टॉल दिस कार्बन फाइबर इनटेक ऑन एन S55 इंजन, M2 में भी सिमिलर इंस्टॉलेशन है, M3, M4 सब में सिमिलर इंस्टॉलेशन है, शुड पुट एक दो पार्ट्स का फर्क होगा, दैट्स इट, इट्स द सेम इंजन बट डिफरेंट चैसिस, M3 और M4 की तो आई थिंक चैसिस भी बहुत सिमिलर होगी। लाओ भाई टूलकिट दो आज, ASP सालों बाद अपनी गाड़ी पे खुद काम करेगा, लास्ट बाइक ही बनाई थी उसके बाद से तुमने गाड़ी पे काम करना छोड़ ही दिया था, गाड़ी तो अभी तक गर्म है, राजा ने खुद महंगे वाले टूल लिए हो, मुझे सस्ते वाले दे रखे हैं, निशान पड़ गया, तो और पड़ गया, मुझे कह रहा भैया आप निशान ना पड़ जाए, आपसे खुद निशान मार दिए, तो हल्का है भारी है, हल्का नहीं, साल लगेगी, कोई वेट ही नहीं है इसके, यहाँ देता हूँ भाई, आओ प्लान खोलने भाई, आप बोले थे दो फिल्टर, हाँ एक उधर हाँ दो ही फिल्टर है, जो M2 कंपटीशन है उसमें दो हैं, बाहर M2 भी आती है, उसमें एक है, उसमें N55 है, इसमें S55 है, इसमें प्रॉपर M2 है, आप एक काम करिए लो, हाँ ठीक है, अच्छा ये भी आ गई टेक्नोलॉजी, हाँ ये टेक्नोलॉजी बहुत टाइम से हमारे पूरे पेज का सी याद है। चलो भाई हम पहला इनटेक तो खोल चुके हैं भाई, दम ज़्यादा ना लग जाए, पता लगा टूट ही गया, चलो जी फर्स्ट इनटेक इज आउट, आर स्टॉक BMW इनटेक, नाउ वी डोंट नीड दिस, इसको फेंक देते हैं, नहीं फेंकेंगे, संभाल के रखेंगे। तो राजा भाई ने दूसरा इंटेक निकाल दिया, हमने क्या करा, सबसे पहले हमने कार्बन जो स्टड बेस है वो निकाला, फिर पहला इंटेक निकाला, दूसरा इंटेक निकाला, अभी तक हम यहीं पे, राजा भाई जो ये पाइप से ही भी चेंज करेंगे हम, नहीं ये कंपनी वाली रहेंगी, ये स्टॉक, तो ये जो पाइप से ये वाली स्टॉक रहेंगी, बस इसमें हमारा जो कार्बन वाली पाइप है वो फिट हो जाएगी, आगे इंटेक फिट हो जाएगा, प्रीटी सिंपल यार, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आज हाथ गंदे करे, आज राजा भाई ने दो इंटेक में फ्री करवा दिया, मैं आज पूरा इंजन खोल देते हैं, क्या पड़ रहा है, ऑयल सर, ये मॉइस्चर होता है, इसमें जेल लगा होता है, हीट के बाद निकलता है, सेफ्टी के लिए होता है, अच्छा इंसुलेशन है,
तो भाई थोड़ा सा हम अपना इंजन बे अब क्लीन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्बन पार्ट्स लगने वाले हैं, हमारे कार्बन पार्ट्स गंदे ना हो जाए, फुल गर्म है गाड़ी, हमने इंजन के इतना पास जाना नहीं, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के इतना पास जाना नहीं, तो इतनी कोई टेंशन है नहीं अभी थोड़ा सा। तो हमारे गुरुजी अभी मैनुअल में से पढ़ के निकाल रहे हैं कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, जैसा आर्मा स्पीड ने बोला है हम वही चीज कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप सब फॉलो कर रहे हैं, बस ये थोड़ा सा क्लीन वाला पार्ट हमने एक्स्ट्रा डाला है। अच्छा, इस रबर ग्रॉमेट में फंसा हुआ था इंटेक, यहाँ अटकता है आके, तो इसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं, मिट्टी बहुत है हमारे बे में। कहाँ तक पहुंच गए हमने, इंटेक्स तक निकाल दिए, सिक्स सेवन एट, ये नहीं, यहाँ नहीं होगी, क्या है, इट्स लाइक अ जिग्सो पजल गाइस बट अ इजी वन। अरे ये रहा ना, ये देखिए बाल्टी साइड में आएगी, ये बाल्टी तो वही जो ये ऊपर का ढक्कन है, ठीक है, ये है मैं, तो यहाँ से प्रोटेक्शन देने के लिए होगा, ऐसे आएगा राजा ये मेरे ख्याल, कैसे यहाँ पे देख रहे हो भाई, जीटी ड्यूनर्स पे मेरे से ज्यादा टेंशन भाइयों को है। ये टू पीसेस में होता है, इसमें दो एयर फिल्टर होते हैं जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना है ये लेफ्ट है या राइट का है, तो आपको पिक्चर को ये मैनुअल है, मैनुअल देख के भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, नहीं तो आप इसकी ये जैसे लोकेशन है इसकी, ये जो इसका स्क्रू है ये इसके नीचे वाले फिल्टर में ये टाइट होगा, ये आपको शायद दिख रहा है, ये जो है इसका ये लॉक है, हुक है, ये इसमें टाइट होगा, तो ये इजीली इसके अंदर बैठ जाएगा। अभी मैं इसको खोल रहा हूँ, खोल के आपको बताता हूँ ये कैसे होगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है मगर फिर भी देख के बैठाना ध्यान से, ये इसका पेज जो हमने खोला था, ये बिल्कुल फुल टाइट हो गया है, जिसमें कि एक मेरा जो ये स्क्रू नीचे दिख रहा होगा आपको, ये जो इसके साथ में आया इसका स्टॉक, और ये जो इसकी गाड़ी का स्टॉक है वो पेज खोलना है कूलेंट बोतल का, जो इसको लगाने के बाद फिर इसके ऊपर से कसना, अब ये बिल्कुल मेरा फिक्स हो चुका है, ये मेरा लेफ्ट साइड इंटेक हुआ है अभी कम्प्लीट, अब मेरा राइट साइड इंटेक रह गया। ये इंटेक के मेरे पेज हैं जो मुझे कार्बन फाइबर में से इसको खोलने पड़ेंगे, वरना बाद में मुझे दोबारा खोलना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे उसके बैक कवर पर लगेंगे ऊपर, तो मैं इसको भी रिमूव कर लेता हूँ। ये फाइनली इसका राइट साइड का इंटेक का कवर हम बिठाएंगे, इसका भी सेम प्रोसेस वही है कि ये मेरा जो मैंने आपको वहाँ दिखाया था पेज इसमें आएगा, तो ये बिल्कुल लोकेशन पर टाइट लगेगा, फिर इसके बाद पेज लगेगा इसके अंदर, फिर जो हम इसके ऊपर कवर लगेंगे वो आप मैं बाद में बताऊंगा आपको मैं कैसे रखेंगे और क्या करना उसके लिए, बस ध्यान रखना थोड़ा सेफ्टी के साथ डालना है इसको, क्योंकि स्क्रैचेस के चांस ज़्यादा रहते हैं। इस कट को हमेशा ध्यान रखना, आपको कन्फ्यूजन हो रही हो, ये वायर आ रही है जो कि ये ऐसे साइड से आती है, मगर ये इसके अंदर कट दे रखा है, तो इसके साथ ही ये नीचे मूव हो जाएगी और ये इजीली जैसे है ओएम फिटिंग पे आ जाएगी अपना, जो आपको मैंने स्क्रू दिखाया था खुलने के लिए, अब मैं इसको वापस लगा रहा हूँ और फाइनली इसको मैं टाइट कर रहा हूँ। ये भी अपना स्टॉप एयर फिल्टर है, तो इसमें से हमें भी क्या करना है, ये एयर मास सेंसर इसमें से निकालना है, इंटेक सेंसर जो है, ध्यान रखे थोड़ा सा देख के निकालना है इसको, बिल्कुल साफ है ये आप देख सकते हो, और मैं स्पीड का मेरा इंटेक है, मुझे अभी खोलना पड़ेगा। अब इस सेंसर में एक चीज़ देख सकते हो, अगर ये गंदा है तो इसे ब्रेक क्लीनर से अच्छे से साफ करके हवा मार के लगा सकते हो, बट ये बिल्कुल न्यू है तो मैं इसको नहीं छेड़ रहा हूँ। ये इसके स्क्रू, इसको फुल फोर्स से टाइट नहीं करना क्योंकि कार्बन फाइबर है, नीचे डैमेज होने का डर रहेगा। मीडियम हाथ से एक बार चेक कर लो आप, हाँ टाइट है, और मेरा इंटेक ये पूरा देखो आपको दिख रहा होगा, अब वो आगे करते हैं फिट। ये फिल्टर का कवर है जिसको ईजीली बैठेगा इसका, एक चीज़ का ध्यान रखना कि ब्रांड ने इतनी अच्छी से मतलब बना के दिया है और इतनी अच्छी फिटिंग दी है, जैसे ये रबड़ आप देख रहे हो, इसके साथ एक्स्ट्रा आती है, इसका यूज़ का होना वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी ये देखो ये मेरा कवर है, ये मैंने टेम्परेली धर रखा है ये, मगर ये हिस्सा मेरा वाइट अलग दिख रहा है, तो ये इसको कॉर्निंग को पूरा मैं भी आपको करके दिखाऊंगा, ये पूरा ऐसे सेफ में बैठेगा, लुक भी बहुत अच्छी आएगी, इससे स्क्रैच भी नहीं होगा और मेरा कार्बन फाइबर जो इसी के ऊपर बैठेगा बहुत ही अच्छी लुक आएगी इसके बाद। मैंने आपको राइट साइड का स्टॉक में से निकाल के दिखाया था, ये लेफ्ट साइड का ये फिल्टर है जो ये स्टॉक इसका एयर मास सेंसर, अभी हमारे आर्म एस फीट का ये यूनिक सा पीस
इसमें ईजिली है ना, मैंने आपको पहले ही बताया था अगर गंदा हो तो क्लीन करना, ब्रेक क्लीनर से, अगर नहीं है तो बिल्कुल जैसे बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, आप देख सकते हो ईजिली इसमें इंस्टॉल हो चुका है। इसमें स्क्रू बाकी है, तो आपको पहले ही बताया था मैंने कि ये बिल्कुल भी ओवर टाइट नहीं करना है, क्योंकि इससे आपका सेंसर या आपका कार्बन फाइबर ये डैमेज हो सकता है, तो इसलिए इसको नॉर्मल टाइट रखो। तो ये इसका फिल्टर है और देखो कितनी फिनिशिंग है, और ये नाम भी पढ़ सकते हो RMSP का है, बहुत ही सिंपल फिटिंग है, कोई व्यवस्था नहीं करनी इसके साथ में। इसका काम ये है क्योंकि स्टॉक वाले में इसका एक खांचा टाइप का बना हुआ आता है और इसमें नहीं आता, तो ये बेसिकली इसको होल्ड करने के लिए पाइप को, क्योंकि हमारा पाइप इंजन हीट रहता है, किसी चीज़ पे लगना जाए जिसकी वजह से डैमेज ना हो पाइप में। ये देखो ये ब्लैक रबड़ में आपको दिखा था, ये बिल्कुल ईजिली ऐसे बैठेगी, देखो ये बैठी हुई है, बस प्रेस करना है इसको, ये होगी, और चाहे तो आपको मैं अपनी लेफ्ट साइड में दे सकता हूँ, देखो फिटिंग, देखो ब्लैक बिल्कुल। फाइनली ये मेरे दो आगे के स्कर्ट रह गए हैं, ठीक है ना, देख लो सिंपल है, ये जो मेरे ये निकली हुई है, ये हॉल देख लो, ये इस हॉल के अंदर फिट बैठेगा, ठीक है। इसके बाद ये मेरा एक स्क्रू जाएगा जो कि मेरा इस वाली पत्ती के अंदर होल देगा, मैं आपको भी करके दिखाता हूँ। सो गाइज हमारी इंस्टॉलेशन मतलब 99% कंप्लीट हो चुकी है, बस ये ग्रिल रह गई है, एंड जस्ट लुक एट द इंजन बे, क्या क्रेजी लग रहा है राजा भाई, खतरनाक लुक आ गई यार, पूरी कार्बन कार्बन, एंड आई जस्ट कांट वेट टू स्टार्ट इट गाइज, इससे आवाज इतनी इनसेन हो जाएगी ना, एंड चलाने में भी इतनी बढ़िया हो जाएगी गाड़ी, इट विल बी मोर स्मूदर, इट विल बी फास्टर। एंड एक चीज मैं सोच रहा हूँ राजा भाई, मेरे को सजेस्ट करता, कह रहा भैया ये भी एक कार्बन में आता है इसका, तो ये इंजन कवर भी इसका कार्बन का मंगा लो, तो देखते हैं वो भी सोर्स करके ऑर्डर करते हैं, फिर सारा कार्बन कार्बन हो जाएगा, बहुत ओके रिपोर्ट लगेगा, क्यों भाई, ये बढ़िया रहेगा, है ना, कार्बन के साथ में। ये वाला कार्बन का मंगा लेते हैं, और चार्ज पाइप भी इसकी आती है कार्बन की, चार्ज कूलर भी चेंज करते हैं, बट फिर ये सब चेंज कर दिया फिर वारंटी नहीं रहेगी भाई, अभी तक तो गाड़ी वारंटी में, हमने कोई भी ऐसा काम नहीं करना इससे वारंटी वॉइड हो, तो हम बस इंजन कवर इसका कार्बन कर देंगे, दैट इज इट। द इंजन बे इज लुकिंग अमेजिंग भाई, मतलब जैसा सोचा था वैसी फिट एंड फिनिश है, यू गाइस कैन चेक आउट द फिट एंड फिनिश, ये एयर इनटेक डिजाइंड इस तरीके से है कि बिल्कुल आप देखो ये पाइप यहां से निकल रही है, बिल्कुल इसके नीचे से बैठ रही है, कहीं कोई टकरा नहीं रही, ये देखो इतना स्पेस है, कहीं टच नहीं हो रही, यहां से भी बिल्कुल परफेक्ट इसमें स्पेस है, कहीं भी ऐसी कोई चीज नहीं है कि ये लगाओ कि ये जुगाड़ कर रखा है, सब कुछ फिट एंड फिनिश इतनी परफेक्ट है, इस वक्त ऐसा लग रहा है ये कि ये फैक्ट्री से गाड़ी ऐसी आई हुई, क्यों सो भाई है? ऐसा है ना, फैक्ट्री से ही आई हुई है, और एक एक पार्ट ऐसे दे रखा था कि भाई स्पेसिफाई कर रखा था, जैसे हाँ। रबर्ड नहीं आती, हाँ। रबर्ड भी दी हुई है, हाँ। ये नट्स वर्ड्स पूरा OEM है, अभी गाइस हम इसके मॉड्यूल्स भी चेंज कर रहे हैं, हम इसमें कॉम्पिटिशन वाले मॉड्यूल्स लगा रहे हैं, वो वीडियो शायद आप पहले देख लोगे या अलग देख लोगे, तो मैं उसके लिए गया हुआ, तो मैं उस पर रिसर्च करता कि वो लगाने कैसे, तभी हमने ये कपड़ा यहाँ रखा हुआ, इसके मॉड्यूल्स अभी खोल रखे हैं, तो हम व्हाइट DRL से इसकी येलो DRL कर रहे हैं, क्योंकि BMW M2 CSL में आती है, इंडिया में CSL नहीं आती, इंडिया में सिर्फ M2C आती है कंपटीशन, एंड CSL बाहर आती है, US वगैरह में आती है, तो उसमें येलो DRL होते हैं, बहुत क्रेजी लगते हैं, हमारे इस पर्पल कलर के साथ बहुत ही ज्यादा क्रेजी लगने वाले, तो वो भी इसमें जल्दी लग जाएंगे, एंड भाई जितनी तारीफ करूँ ना भाई उतनी कम है, बहुत सुंदर लग रही है, जल्दी से इसकी ग्रिल वापस लगाते हैं, गाड़ी कंप्लीट करते हैं, क्योंकि आई एम डाइंग टू हियर की ये अभी साउंड कैसी करने वाली है। A few moments later. हमारे मॉड्यूल्स वगैरह भी लग चुके हैं, हमारा कार्बन एयर इंटेक भी लग चुका है, आई एम सुपर एक्साइटेड टू हियर इट। गाइस आवाज सुनो एक बार, गाड़ी से करिए सक्शन की पूरी पूरी आवाज आ रही है, ये क्रेजी यार, क्रेजी, यू कैन एक्चुअली फील द पावर गेन, यू कैन एक्चुअली फील द इनटेक मेकिंग नॉइज, यू कैन एक्चुअली फील योर टर्बोज मेकिंग नॉइज, नो वर्ड्स भाई, ये देखो पटाखे, क्रेजी भाई क्रेजी, इनटेक की प्रॉपर आवाज आ रही है सक्शन की, ऐसे ट्रैक्शन तो ले लिया कर, क्रेजी
पे करके कैमरा जस्टिस कर रहा हूँ ना कर रहा हूँ पता नहीं। वो मैं इसीलिए बार बार मेरे से पूछ रहा हूँ, सुन रहे कि मुझे पता है कैमरा पता नहीं कैप्चर करेगा। प्रॉपर ऐसी करके आवाज आ रही है इतनी बढ़िया। आई लव दिस कार। Big shout out to you guys, seriously, what a product you guys have made, hats off, kudos to you, seriously, the build quality and the fit and finish and the performance gain, the sound gain, everything is just perfect, really value for money guys, seriously. Guys, देखो इतनी भगाई हमने गाड़ी एंड यहाँ पर आप टेम्परेचर देखो, आर कार इज एक्चुअली रनिंग सो कूल राइट नाउ। ये देखो बिल्कुल आप देख सकते हो यहाँ पर 90 और 120 के बीच में है बिल्कुल, तो हमारी गाड़ी कोई गर्म भी नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी भगाने पे भी गाड़ी हल्की सी भी हीट नहीं हो रही, जबकि एम कार्स आर नोन की जब इनको ज़्यादा पुश करो तो कई बार ये हीट हो जाती है थोड़ी बहुत, बट आर कार इज रनिंग एज कूल एज इट कैन। चलो इसी बात पर डाउन शिफ्ट मार के लेट्स गिव इट द बीन्स। उत्सव भाई ये गोल चक्कर और मेरी M2 या मेरी E90 और बस कोई रूल्स नहीं, तो यहाँ पर टोक्यो ड्रिफ्ट ऐसी दिखा दूंगा, टीम तक यार भी खुश हो जाएगी, बट हम रूल्स फॉलो करते हैं भाई, तो इसलिए हम नहीं कहेंगे।